रुको रुको रुको, चाय आगे चाय आगे चाय आगे चाय आगे भाई, चाय पियोगे आप? चाय पियेंगे, एक चाय और आएगी भाई, चाय के बिना आपको पता है मजा नहीं है। ई डबल अपनी जगह, चाय अपनी जगह। अरे चाय 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 पीने, तीन चाय और बोली हमने इनको, यहाँ पे मिल रही है चाय इनकी, गए तो आइए चाय पीते हैं। तो गाइस वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टीजी टॉक्स मीडिया। और आज का दिन होने वाला है बहुत लंबा, बट जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ आपको अपने साथ लेके चलूंगा। तो आज मैंने दो तीन लोगों से मिलना है। तो सबसे पहले तो मैं आया हुआ हूँ, एक्चुअली मैं भारी खड़ा हुआ हूँ मसल एंड स्ट्रेंथ इंडिया के रिटेल स्टोर। अभी रिटेल स्टोर में आपको क्यों लेके आया, बिकॉज हर जगह मेरे को लोग एक ही सवाल करते हैं, स्पेशली यंग लड़के यार, कि यार सप्लीमेंट स्टोर कैसे खोला जाए, क्या करूँ सर, मेरे को कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या करूँ। मैं आपको सबसे पहले उनसे मिलाऊंगा जो इंडिया के किंग है फ्रेंचाइज किंग, जो सप्लीमेंट स्टोर हेल्प करते हैं लोगों की ओपन करने के लिए, ताकि आपकी सोर्स ऑफ इनकम बन सके। तो पहले हम उनसे मिलेंगे, उनका स्टोर देखेंगे, देखने के बाद फिर आई हैव अनदर एंगेजमेंट, मैं एक और आपको एथलीट से मिलाऊंगा, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड भी है नहीं भी है तो हम आ जाएंगे, उनसे मिलेंगे। फिर बहुत लंबा दिन होने वाला है गाइस, ट्रस्ट मी इट्स गोना बी अ वेरी लॉन्ग डे, बट मजा आएगा आपको इसमें, ऐसे कहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। पानी की बॉटल हमेशा साथ रखता हूँ, लेकिन इसमें पानी नहीं है, इसमें ई डबल ए, मैं ई डबल ए बहुत पीता हूँ गाइस, ऑप्टो चॉइस का ई डबल ए, मैं डाल दूंगा लिंक में। अब हम आ गए मसल एंड स्ट्रेंथ इंडिया के, मुकेश गहलोत भाई मैंने आपका इंटरव्यू करा था, इंडिया के लेजेंड, और साथ में प्रिंस स्टूडेंट सबका भी इंटरव्यू करा मैंने, इनके ब्रांड एंडोर्समेंट सपोर्टर्स। और मेरे साथ खड़े हैं हमारे प्रवीण भाई। सो प्रवीण भाई जिसे कहते हैं करता धरता है मसल एंड स्ट्रेंथ के फाउंडर हैं, तो मैं इनसे मिलता रहता हूं, बिकॉज जैसे कहते हैं ये भी एथलीट के लिए बहुत करते हैं, बहुत सोचते हैं, स्पेशली यंग एथलीट्स के, जैसे मैंने आपको बताया कि यार सप्लीमेंट स्टोर कैसे खोला जाए। तो मुझे उन्होंने बुलाया द्वारका में, मैंने कहा यार आपको सपोर्ट की बहुत जरूरत है, बिकॉज एक आपको सप्लीमेंट स्टोर खोलना है, दूसरा आपको जेन्युइन सप्लीमेंट चाहिए। तो भाई साहब क्या मुझे बताओ भाई, मसल एंड स्ट्रेंथ इंडिया लड़कों का ना मेरे पास बहुत सब क्वेश्चन आता था कि भाई सप्लीमेंट स्टोर कैसे खोलें, क्या बोलोगे आप? वेरी इजी भाई, कांटेक्ट करें मसल एंड स्ट्रेंथ के टीम को, कम से कम प्राइजेस में, कम से कम इन्वेस्टमेंट में हम लोग स्टोर खुलवा के देंगे आप। मैं मसल एंड स्ट्रेंथ इंडिया का नंबर डालूंगा इनका, अगर आपको अपना स्टोर खोलना है, आपका जो भी बजट हो, कम बजट में खोलना हो आप में कियोस्क डाल सकते हो, अगर बजट ज्यादा नहीं है आपका। स्कीम निकाला है मोहित भाई के साथ मिलकर कि आप घर बैठे भी अगर सप्लीमेंट बेचना चाहते हो तो बेच सकते हो। घर बैठे सप्लीमेंट बेच सकते हैं भाई, ये तो गेम चेंजर होने वाला है। मैं नंबर डालूंगा गाइस, आप उनसे बात करिए घर बैठे सप्लीमेंट। और सबसे बड़ी बात गाइस, जो भी बजट हो आप, अर्निंग्स मिलेंगी आपको भाई। एक महीने में लोग कितने लड़के पैसा कमा सकते हैं, मैं अगर अच्छे से आप काम करो तो 50K इजीली आप कमा, 50,000 रुपया महीना बना सकते हो आराम से गाइस। अब जैसे कहते हैं ना बाबू, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो गाइस मैं नंबर डाल रहा हूं, उनसे बात करना एनी वजह तो होगी बात, ये तो मेरे आपको पता है, मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको बताता रहूंगा चीज जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। बट हम हैं तो गाइस, अब आप ये भी देखोगे ना, अगर आपको भी अपना स्टोर खोलना है तो कुछ आपको ऐसा स्टोर मिलेगा। सबसे बड़ी बात भाई, आपके लिए जगह ढूंढेंगे मसल एंड स्ट्रेंथ ही आपके लिए, जैसे कहते हैं हर चीज करेगी आपको, सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि आपको बिजनेस कैसे चलाना है, सारा बाकी का काम मसल एंड स्ट्रेंथ सारा टीम करेगी, A to Z। आपको लोकेशन चूज करना, उसमें टीम हेल्प करेगी, प्रोडक्ट्स आपको क्या डालने, इस इंडस्ट्री में काम कैसे करना है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ मिलेगी। तो रुको 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 रुको, चाय आगे भाई, चाय पियोगे आप? चाय पियेंगे, एक चाय और आएगी भाई, चाय के बिना आपको पता है मजा नहीं है। ई डबल अपनी जगह, चाय अपनी जगह, भाई आइए आप चले। अरे चाय 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 पीने, तीन चाय और बोली हमने इनको, यहाँ पे मिल रही है चाय इनकी, गए तो आइए चाय पीते हैं। नमस्ते सर, सब्जी बन रही भाई, देख रहे हो, ये देखो दिखाओ तो सही, जरा सब्जी दिखाई है इन्हें, कौन सी? आलू गोभी, आलू गोभी मटर, देखो वहाँ बन रही है चाय। सुबह सुबह का चाय मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है, सब्जी तो टेम्पटिंग लग रही, नहीं लग रही भाई, ये देखो एक गर्म चाय की प्याली हो। एक टिप, अगर आपकी दुकान में जगह नहीं है और आपको खाने का कोई भी सामान बेचते हो, तो आप मेन्यू ऐसे भी लिख सकते हो, ये देख, छोले चावल, राजमा चावल, छोले कुलचे, स्पेस यूटिलाइजेशन ऐसे किया जाता है। तो गाइस हम खड़े मसल एंड स्ट्रेंथ इंडिया पे, पी रहे हैं देसी चाय, मेरे साथ आ गए हैं हमारे अंकुश भाई। अंकुश भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्या लिखा हुआ? रियलिटी इज फेक। रियलिटी से मेरी खुद की ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है, धंधे वाला आदमी, दोनों चीजें पता है, फिटनेस के लिए भी हम, मेरी धंधे वाला आदमी। पूरा नाम क्या आपका? अंकुश उदारा। क्या होते हैं? जाट और बिजनेसमैन, पहली बार देखा भाई मैंने, ये तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, स्पोर्ट्समैन देखे बहुत अच्छे होते हैं, आप भी स्पोर्ट्समैन थे पहले? हां बिल्कुल, मैं स्टार्टिंग से क्रिकेट में, फुटबॉल में, टीटीएम स्टेट लेवल प्लेयर, टीटी मतलब टेबल टेनिस, टेबल टेनिस बेसिकली, स्पोर्ट्स क्लब टाइप बना रखा है हमने, वहाँ टीटी टेबल है, एक दो फुटबॉल है। भाई कितना पुराना स्टोर है अपने? तो रिसेंटली खुला है मसल एंड स्ट्रेंथ की फ्रेंचाइजी स्टोर हमने खोला है, बाकी इतना फेक सप्लीमेंट हो गया है मार्केट में, इसी वजह से हमने मतलब अपना जो एक उसूल है कि बंदों को सामान अच्छा देना है, अपनी भी बॉडी अच्छी बनानी है, लोगों की भी अच्छी बनानी है। भाई दूध की कसम खाओ, नकली सामान कसम, दूध की ना बेचा है ना बेचेंगे, बॉडी बना देंगे सबकी बढ़िया वाली, जेन्युइन आदमी है भाई। इनका नंबर भी डाल दूंगा यहाँ पे, अगर आपको इनके पास आना है राइट, और सप्लीमेंट लेने डाल देना भाई, लोगों को प्रमोट करते चलना है भाई। अभी बात बताओ, खुला कब आपने स्टोर? ये खुला था भैया अभी 6 महीने हो गए, 5 से 6 महीने। प्रिंस भाई भी आए हैं? हाँ प्रिंस भाई भी आए,
आए थे, शरद भाई भी आए थे, पवार भाई भी आए थे, मुकेश जी भी आ चुके हैं, आज आप आ रहे हैं। अरे कितने लोगों को बुला रहे भाई हम यहाँ? प्रवीण जी की दुआ है तो फटाफट बुलाए जा रहे हैं। एक बात बता भाई, आपको इसका बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था सप्लीमेंट स्टोर? नहीं सर, मेरे गुड़गांव में होलसेल स्टोर है, मैं पहले से ही सप्लीमेंट में हूँ। 5 साल से मेरे ब्रदर है, वो 5-6 साल से सप्लीमेंट में, तो काफी नॉलेज थी मुझे उनसे भी। सबसे बड़ी बात है लोग ट्रस्ट करते हैं, मतलब मेरे से आके ये नहीं पूछते कि भैया नकली मिलेगा असली मिलेगा कैसा है कैसा नहीं है, उनका भरोसा है। मसल एंड स्ट्रेंथ इंडिया का नाम है तो भरोसा है। और विद ऑफिशियल इंपोर्टर्स, जीएसटी बिलिंग, और अगर फिर भी 1% भी हमारी भी कहीं से भी गलती हो जाती है, पीछे से कोई भी प्रोडक्ट में दिक्कत आती है, तो हमारी कंपनी बोलती है 3 महीने का स्टॉक हम फ्री देंगे आपको। मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्टोर, मेरी चाय ऑलमोस्ट हो गई खत्म, अब हम चलते हैं स्टोर में, मैं आपको दिखाने वाला हूँ इनका स्टोर लगता है कैसे। अगर आपके पास छोटी सी भी दुकान हो, बड़ी दुकान हो, जैसी भी दुकान हो, मसल इंडिया का स्टोर आप खोल सकते हो, जैसे भाई ने बताया, तो आप घर बैठे भी स्टोर खोल सकते हैं। आइए देता हूँ आपको एक टूर, लेट्स गो। देखो जब भी कोई लड़का टी शर्ट उतारे ऐसे मार्क्स दिख जाए तो समझ लो कि वो कल रात को कहीं मुंह काला करके आया। क्या मुंह काला करा भाई? नहीं नहीं मुंह काला नहीं, ये अपना चलता है। बचपन में मैं भी बोल देता था, अरे यार मच्छर ने काटा, तो मच्छर ने काटा हुआ ना, बहुत बड़ा मच्छी ने, बड़ी मक्खी ने काटा हुआ। देखो क्लोथिंग ब्रांड के बारे में क्या यार, ये हाई 90s अपैरल करके हमारी क्लोथिंग ब्रांड है, 2 साल पहले हमने स्टार्ट की, तो सारे प्लेटफॉर्म्स पे अमेज़न फ्लिपकार्ट बड़ी बड़ी टी शर्ट पड़ी। नहीं आप तो उतारोगे नहीं, आपके भी मच्छर ने काटा हुआ ना, मच्छर ने, मक्खी मच्छर बहुत काटते हैं आजकल। अगर आपको भी आना है राइट, अगर आपको भी इनके सप्लीमेंट्स ट्राई करने, सब करने, देख रहे हो भाई मेरे पास सारे सैंपल्स रखे हैं, प्री वर्कआउट, एल आज, परफेक्ट गेन, परफेक्ट वे, देख रहे हो गाइस, यहां पे सब आपको मिल जाएगा फ्री में, आप ट्राई कर सकते हो, स्टोर में आ सकते हो। भाई स्टोर का नंबर डालूं? 9310344467। तो आप इस नंबर पे फोन करके आप यहाँ आ सकते हो भाई। 7 दिन खुला हुआ है? बिल्कुल 7 दिन खुला है भाई। टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक खुला है, 10 बजे तक भी खोल देंगे, आप अगर लेट आ रहे फोन करके आ जाना। एड्रेस है D978 शिक्षा भारती रोड नियर रामफल चौक, आगे तो बोलो द्वारका डेली, द्वारका सेक्टर 7 नियर रामफल चौक, न्यू दिल्ली 11075 इज द पिन कोड है ना भाई। अब मुझे बताओ यार कुछ शेकर वेकर भी है क्या? शेकर मिलेंगे, देखो ग्यारह टॉप 3 जो सबसे पहले यहाँ आएगा ना, सबसे पहले जो आएगा 3 शेकर मिलेंगे फ्री राइट। अगर आप कुछ खरीदोगे भी यहाँ से तब भी आपको भाई फ्री में देंगे, वो क्या देंगे वो आपको यहाँ आने पे पता लगेगा। तो बड़ी बात आपको ऑथेंटिक मिलेगा, जेन्युइन मिलेगा गाइस। तो मैं आया हुआ था इसीलिए चेक करने की भाई क्या चीजें मिलती हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात आपको ये बताना था यार, सप्लीमेंट्स कहाँ से जेन्युइन मिल सकते हैं आपको और कैसे आप अपना सप्लीमेंट स्टोर खोल सकते हो? भाई ये है प्री वर्कआउट गाइस, मैं यहाँ इंडिया का सबसे सस्ता प्री वर्कआउट दे रहे हैं भाई। प्रवीण भाई इतना सस्ता क्यों दे रहे हो भाई? कितने का भाई? 1200 रुपए का, और इसमें जो कैफीन यूज हुआ है वो इंपोर्टेड क्वालिटी कैफीन है। ऐसे कुछ ऐसे बिल्स मिलेंगे आपको जब भी आप कुछ खरीदते हो गाइस, ये बिल जरूर लेना मेरे स्टोर के बाहर। और हमारे भाई साहब हमें कहाँ लेके जाने वाले? मेरी पर्सनल फेमस है चूर चूर नान की, भाई राजू की चूर चूर नान है, ठेले से स्टार्ट किया था उसने आज 1.5 करोड़ की दुकान में बैठा हुआ है। वो लाइफ को एंजॉय करने का गाइस, टॉर्चर करने का नहीं, अनलेस आप कॉम्पिटिशन खेलते। आइए अब चलते हैं। Backstage parties, drinks and limousines, yeah. I told you that I loved you, then you said that you love me. Let's not put a label on it. तो गाइस अब हम आ गए हैं राजू के चूर 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 नहीं चूर चूर नान। क्यों भाई साहब? भाई चूर चूर नान एकदम फेमस वाले चूर। ये रोड है, रोड के परली तरफ नॉर्मल सा एक ठेला था छोटा सा, 4x5x6 का, उसी पे वहीं पे तंदूर अंदूर लगा के वहीं दबा के लाइन लग जाती थी। तो इतना लाइन लग जाती थी कि गवर्नमेंट ने उसको पेलता था, जो पुलिस वाले की भाई हटाया यहाँ से, इतनी लाइन रोड पे जाम ही जाम लग जाता था। ये है यहाँ पे लाइव किचन, हर लगी हुई है, तंदूर लगा हुआ है, यहाँ पे बनते हैं चूर चूर नान। ये देखिए ये किस चीज का बनता है भाई? इसमें मैदा, सूजी, बेसन, अजवाइन, आटा सारा मिक्स है। A lot of good things that are coming, so let's call it. भाई साहब ये एक बारी में कितने डलते हैं यार? 40 पीस 20 प्लेट। 40 पीस डलते मुझे से क्यों लग रहा है, थोड़े से टाइट है। अपना चूर नान है, ड्राई फ्रूट्स के साथ है, सब इस पे काजू बादाम है, मक्खन है, व्हाइट वाला मक्खन है, और ये पनीर, ये दाल है, और छोले हैं, ये रायता सैलेड है, ये अलग तरीके के अचार हैं, 2 अचार हैं, भोग है बड़ा सबसे बढ़िया वाला मीठा भोग है। देख सकते हो ये है हमारा प्लेटर, ये हम खाने वाले हैं गाइस, लेट्स डाइव इन। जो अब यहाँ आएंगे ना
तो सिक्स पैक भूल जाना, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलेगी बल्किंग डाइट। आप जितना मर्जी रिफिल करें, एब्सोल्युटली फ्री। एक्चुअल में सर्दियों में बल्किंग ऐसे ही होती है, यही खाना खा के, बट हफ्ते में एक बार ही खाना। ये है हमारी सौंफ, देसी सौंफ। लंच हो गया पूरा हमारे चूर चूर नान राजू भाई के, तो थैंक यू सो मच भाई। खाना यार एंजॉय करना इज अ मस्त। हमारे मसल वाले भाई साहब भी आए भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। कितने स्टोर हो गए हमारे मसल के? फिलहाल 20 हो गए। 20 स्टोर अक्रॉस पूरे इंडिया में? ऑल इंडिया। ऑल इंडिया में देखो 20 लोगों की रोजी रोटी चल चुकी है इससे गैस। और आपको भी चलानी है, आपको भी सप्लीमेंट इंडस्ट्री में आना है, तो कितना भी बजट हो, छोटा भी बजट हो, फिर भी आप नंबर डालूंगा, आप जरूर कॉन्टेक्ट करेगा। और हमारा टाइम आ गया, हम मिलने जा रहे हैं एक और आपसे मिलाने वालों किसी और एक एथलीट से। अब चलते हैं वहीं पे लंच के बाद। अब आ गया टाइम हमारे दूसरे एथलीट से मिलने का। मैं आता रहता हूँ, जय आपने अब देख लिया मैं कितना हम ट्रैवल करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू मीट अनदर वेरी स्पेशल लड़का है यार। और सबसे बड़ी बात, देसी यार, हार्डकोर देसी, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने आपको फिट रखते हैं। आइए अब उन्हीं से मिलने चलते हैं, लेट्स गो। गैस अब हम आ गए हैं हमारे आज के एथलीट से मिले, और हमारे देसी विनय भाई, क्या हाल भाई? बढ़िया भाई जी, एक नंबर। एक नंबर है ना भाई हमारे। तो विनय भाई के बारे में आपको बता दूं, विनय हैं हमारे एमेच्योर वर्ल्ड चैंपियन केटलबेल में, केटलबेल स्पोर्ट। केटलबेल आप समझते हैं, आपके जिम में केटलबेल चीजें होती हैं जिसको आप कभी हाथ नहीं लगाते, राइट? जो लोग हाथ नहीं लगाते वो ऐसे रह जाते हैं, और जो लोग हाथ लगा के चैंपियन बन जाते हैं वो विनय भाई बन जाते हैं, राइट? तो विनय भाई ये क्या है चैंपियनशिप? जैसे हमारा ओलंपिक लिफ्टिंग होता है ये उसको एमुलेट करता है, बट नेचर ऑफ स्पोर्ट इज डिफरेंट। ओलंपिक लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग में क्या है, कुछ सेकंड्स में हो जाता है लिफ्ट, ये चलता है 10 मिनट तक, 30 मिनट तक, एक घंटे तक। हाँ जी, यू कैन नॉट कीप द केटलबेल डाउन। ये वो कुछ और मत समझिएगा, ये मैं 224 के साथ मेरा रिकॉर्ड है 72 क्लीन जर्क, मतलब 224 के केटल के, केटलबेल के साथ 72 रेपिटेशन। बॉडी वेट था 75 किलो के आसपास, और 10 मिनट तक केटल बेल रख नहीं सकते आप, सिर्फ ऐसे ही मूव करना है भाई। नेचुरल परफॉर्मेंस पे घना हमारा बिलीफ है, उस तरह से हमने केटल बेल स्पोर्ट में शुरू किया। 6-7 साल हो चुके हैं खेलते। हमें एथलीट से सीखना, लोगों से सीखना, तो हम चले जाते हैं ताकि आपको भी कुछ लर्निंग मिले। आपको पता लगेगा जब विनय भाई बताएंगे। एक मिनट बस, चलते हैं उनके घर। Let's not put a label on it, 'cause you call it what you want, yeah we call it what we want. भाई जी, मैं जैसे मैंने बताया कि मैं बुलीड चाइल्ड था बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं बचा। मैं मम्मी के सामने काफी चीजें बोल भी नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं था जो मेरे साथ स्कूल में ना हुआ हो। तमीजी से लेकर, बुलिंग से लेकर, मिसअंडरस्टैंडिंग से लेकर, टीचर्स तक मिसअंडरस्टैंड, कहते हैं ना डेलिकेट डार्लिंग, सिसी, गुगू, लल्लू, घोचू, वैसे टाइप का मटेरियल था मैं। घर में तो शेर था माँ बाप के सामने, स्कूल में फटती थी, आम भाषा में डर लगता था, कि क्योंकि हर फील्ड में जीरो था, स्पोर्ट्स में जीरो उस टाइम पे, पढ़ाई में माइनस हाफ 100, इतना बुरा। जो थोड़े से बॉन्ड लड़के होते हैं, थोड़े से बदमाश से होते हैं, उनको लुकअप करता था, ऐसा कब बनूंगा, नहीं बन पाता था, उन्हीं से बुली होता था, खाना छीन के खा लेते थे मेरा। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि जब अच्छा ही हुआ मेरे साथ कि स्पोर्ट्स में इंक्लाइंड हो गया मैं, क्रिकेट में, और मम्मी पापा ने उस टाइम पे एक बात भी कही कि कभी तेरे को लड़ने से मना किया है हमने, लेकिन साथ में डरने से भी मना किया है, लड़ना नहीं है और डरना भी नहीं है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, हीरा सिंह होलसेल फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट आजाद, देख सकते हो गाइस, ये प्राउड मोमेंट है। 96 इयर्स की हैं इन भाई साहब की नानी, देख रहे हो। दूध दही का खाना, देसा में देस हरियाणा। 2019 में मेरे को सेलिब्रिटी ट्रेनर ऑफ द ईयर मिला था, 2018 में मेरे को एक्सीलेंट केटलबेल टीचर। भाई इन्होंने ढाका की लड़ाई लड़ी है, देखो सन में लड़े थे ढाका की लड़ाई। भाई मैं फौज में भर्ती हो गया था 1960 में, ड्राइविंग करते करते फिर मेरे को 65 में सिलेक्ट हो गया, और तब 3 साल की ट्रेनिंग की आई में थी। सर्विस, मैंने देश की सेवा करी है यार, देश की सेवा के बाद देखो ये मेवा निकाला है इन्होंने। विनय किस पे गया? मम्मी गाँव में कह दिया करते ना, मांगा हुआ है। देख रहे भैया आंटी का कमरा, देखो यहाँ पे किसकी फोटो है, इसमें सिर्फ मैं ही मैं रह सकती हूँ, विनय या कोई नहीं आ सकता। अंकल तो रहते होंगे ना, ड्रिंक करने वाला, नॉन वेज खाने वाला, अंडा खाने वाला, तो इस बिस्तर तक नहीं आए। पापा को ब्रेव हार्ट बोलते थे आर्मी में, बिकॉज उस टाइम पे सिंगल हैंडेडली कितने लोगों को बंदी बनाया था आपने चढ़ के टैंक पे। एक जगह 4 आदमी कैप्चर किए, एक जगह 3 आदमी कैप्चर किए, एक जगह 88 आदमी कैप्चर किए। भाई आपो? हाँ जी। बिना दाढ़ी के हमारे विनय भाई देखो कैसे लगते हैं भाई,
2017 में एक इंडियन चैंपियनशिप में 59 रेप्स मारे थे मैंने लॉन्ग साइकिल यानी कि क्लीन जर्क में। मलेशिया में मेरी रैंक पड़ी थी रैंक 1। ये 2015 में मैंने 67 रेप मार के गोल्ड लिया था। एक और कंपटीशन हुआ था जिसमें 65 रेप मार के रैंक 1। ये जो एक वॉल होती है ना ये कमाई जाती है, अर्न वॉल होती है। एक बार आप ये दो केटलबेल कैरी करो। आज मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं तो उठा दूंगा। कैरी करो, नहीं उठता भाई, उठा ना तेरे भाई, आया दोनों उठाओ। उठ सकता है? नहीं हमारे मेरे भाई उठाएंगे। कितनी बारी? ये तो एक मिनट का सेट किया था लेकिन 10 मिनट्स नॉन स्टॉप 70 टाइम्स कर रखा है मैंने। भाई मान गए, हम तो मान गए भाई, मान गए। विनय भाई ने देख लो कैसे करा गया। तभी मैं कह रहा था ना ये जो चीजें होती है ना ये अर्न करी जाती है, रूम अर्न करी जाती है। देख रहे हो मेडल्स 19 फरवरी में बेस्ट केटलबेल में लिफ्ट की। केटलबेल वाले की बॉडी भी देखते भाई कैसी होती है भाई। कितने आसानी से कह रहे हैं रिप्स है यार। ये केटलबेल करके हुआ है, ये यू हैव टू प्लेस इट लाइक दिस रोड ना। मतलब भाई डाइट वाइट क्या रहती है? सुबह उठ के मैं सबसे पहले नारियल पानी लेता हूँ, उसके आधे ही घंटे के बाद मैं 2 केले प्रोटीन शेक पीता हूँ। घर पे होता हूँ तो ओट्स बनवा लेता हूँ, बाहर होता हूँ तो एक सिंपल बेसिक वेज सैंडविच लेता हूँ और जूस ले लेता हूँ। मेरा मेन जो मील होती है होते लंच, जब मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं घर का ही खाऊँ। सर्दियाँ चल रही हैं तो बाजरे की रोटी, सरसों का साग, ऊपर तक गेर का घी इतना। और हर वो इंसान हुएवर शाइज अवे फ्रॉम घी मक्खन, माई एडवाइस टू यू, अगर आप स्मार्टली बहुत क्लेवर तरीके से बहुत साइंटिफिक तरीके से कंज्यूम करते हो घी, तो घी में कोई नुकसान नहीं है। मैं बॉडी कॉम्पोजिशन मेंटेन करके रखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जीरो शुगर कंज्यूम करूँ, जो डायरेक्ट शुगर होता है प्रोसेस्ड फॉर्म में जो चीनी जैसे कहते हैं, टोटली निगलेक्ट करता हूँ उसको, मतलब अवॉइड करता हूँ। बाकी हाँ, शाम तक आते आते 2-3 times अ डे अपना प्रोटीन शेक पीऊँ जो मैं प्रोबस्ट कंज्यूम करता हूँ, 3 बारी दिन में, 1.5 scoop ईच टाइम। तो गाइस आज हम देखो जबरदस्त लर्निंग मिली हमें, आप बड़ों के साथ आप बैठोगे आपको इतना सीखने को मिल जाए। तो विनय भाई थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच तरुण भाई, थैंक यू सो मच टू योर चैनल, थैंक्स टू भाभी यार, थैंक यू क्या आपने बुलाया और इतना कुछ सीखे गाइस। अब आप श्योर केटल बेल के बारे में भी काफी कुछ जान गए होंगे और इनके वैल्यू सिस्टम को भी समझ गए होंगे। अंकल 80 इयर्स के, इतने सुपर फिट, मॉम भी इतनी फिट, फैमिली इतनी फिट है, ऐसे कहते हैं बहुत मजा आया मुझे। और विनय भाई हाँ, ये वीडियो आएगा।